और दोस्तों जैसा कि आपको पता है वीवो जो होता है वो अपने यूजर्स के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर के आता है, क्योंकि वीवो ही एक ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें पहली बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आया था और एक और स्मार्टफोन वीवो लॉन्च किया था जिसमें आपको डुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है जो कि पॉपअप वाली। अब एक और स्मार्टफोन अपना वीवो लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है वीवो S5। ये 14 नवंबर को चाइना में लॉन्च होगा। मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन वीवो S1 का सक्सेसर बनकर के आने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में वीवो S5 के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा। सबसे कमाल की बात यह है कि इस स्मार्टफोन में क्या स्पेशल है ये भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो जरूर से लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल में। जब फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके बैग के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बैग देखने को मिल जाएगा, वो प्लास्टिक की बॉडी के साथ आएगा और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैग में आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। ना ही तो ये राउंड वाले कैमरे दिए गए हैं, ना ही तो वर्टिकल वाले कैमरे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कैमरे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसकी डिस्प्ले के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको 6.44 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कमाल की बात यह डिस्प्ले भी आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको राइट टॉप पर पंच होल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले दी जाती है और सुपर एमोलेड स्क्रीन दी जाती है, और वो इस स्मार्टफोन में आपको दी गई है। साथ ही साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है सुपर एमोलेड के साथ, वही पंच होल डिस्प्ले। तो मैं तो एक वीवो वालों को बड़ा सा थम्स अप देना चाहूंगा, आप देना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को उसे प्रेस कर लो और हाँ ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको दो वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, 6GB, 64GB, 8GB, 128GB के साथ आएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और रही बात इसकी दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ये वही चिपसेट है जो आपको वीवो के G1 X में और आपको वीवो के S1 में पहले ही देखने को मिल चुका है। और दोस्तों अब मैं बात करूं यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4010 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको 22.5W का फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता है वीवो के G1 X में वो मिल चुका है, तो चार्जर भी काफी ज्यादा अच्छा है, आपके फोन को जल्दी से चार्ज करके देखा। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, क्योंकि कैमरे भी इसमें काफी ज्यादा कमाल के दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। इसका रियर सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि सोनी का IMX586 वाला दिया गया है। और दोस्तों जो आपको दूसरा कैमरा देखने को मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि वाइट एंगल के फोटो को शूट करता है। अगेन मैं आपको बताऊंगा, ये तीसरा कैमरा यहाँ पे दिया गया वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि पोर्ट्रेट फोटो को शूट करने के लिए दिया गया। और लास्ट कैमरा यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं माइक्रो शॉट के लिए दिया गया है। तो दोस्तों बैक के कैमरे जैसे कि आपने देखा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ इसका फ्रंट कैमरा भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पंच होल में आपको दिया गया वो भी 32 मेगापिक्सल का। तो बैक और फ्रंट के कैमरे काफी ज्यादा कमाल के हैं। और रही बात दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस की और लॉन्च डेट की, तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया 14 नवंबर को ये चाइना में लॉन्च होगा और ये डेफिनेटली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा वो नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट 6GB 64GB की जो प्राइस रहने वाली है वो 15 या 16 हज़ार रुपये रहने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे इसकी प्राइस चाइना में रिलीज हो गई है। वहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई है बेस वेरिएंट की वो 1599 yuan रखी गई है, उसको अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करके देखते हैं तो वही 15 या 16 हज़ार रुपये के आसपास बनता है। तो 15 या 16 हज़ार रुपये में भी अगर ये स्मार्टफोन आ जाता है तो डेफिनेटली बहुत सारे स्मार्टफोन को कम्पीट करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले वही पंच होल वाली दी गई है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीवो S5 के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और मुझे पता है आपको ये डेफिनेटली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे अभी तक बने हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जो उसे प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।